आज हम देखेंगे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एक्सटेंसिवली यूज किए जाने वाली कार्स, एसयूवीज और हैवी कॉम्बैट व्हीकल्स को। इन व्हीकल्स की स्पेशलिटी, स्पेसिफिकेशंस एंड ड्यूटीज को भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा मार्क्समैन की। ये गाड़ी कोई हैवी वेपन का सामना नहीं कर सकती, पर हैवी बुलेट फायर और ग्रेनेड्स का सामना आराम से कर सकती है। ये ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर आराम से चल सकती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आर है। इसमें 2.6 लीटर का इंजन है विद 2609 सीसी। इसकी सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 6 सीटर व्हीकल है। इसे 26/11 के मुंबई टेररिस्ट अटैक के बाद बनाया गया है। ये गाड़ी का खास इस्तेमाल काउंटर टेररिस्ट अटैक्स, पेट्रोलिंग पर्पस एंड रॉयड कंट्रोल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टाटा सफारी स्टॉर्म। जब मारुति जिप्सी का प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू किया गया, तब टाटा सफारी स्टॉर्म एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट के तौर पर सामने आई थी। इस गाड़ी को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। इस गाड़ी को बनाने के लिए इंडियन आर्मी द्वारा 3 मेन क्राइटेरियाज रखे गए थे। हार्ड टॉप, एयर कंडीशनिंग और 800 केजी तक का पेलोड कैरी कर सकने की क्षमता। इट इज पावर्ड बाय 2.2 लीटर डीजल इंजन विद 2179 सीसी। इट्स मैक्सिमम स्पीड इज 165 किलोमीटर पर आवर। अगर सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 7 सीटर व्हीकल है, पर इस कार का हैवी बॉडी वेट होने की वजह से इसका इस्तेमाल बंद किया गया था और आज इसे ऑफिसर्स की ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट, टोयोटा फॉर्चूनर। फॉर्चूनर का आर्मी वर्जन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। इसमें बेस्ट इन क्लास रेडियो कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट है, जिसका इस्तेमाल इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग के लिए किया जाता है। इट इज पावर्ड बाय अ 2.8 लीटर डीजल इंजन विद 2755 सीसी। इसका माइलेज 14 किलोमीटर पर लीटर है एंड इट्स मैक्सिमम स्पीड इज 176 किलोमीटर पर आवर। अगर सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 7 सीटर व्हीकल है। इस कार में हैवी वेपन्स कैरी करने की कैपेबिलिटी भी है। पेट्रोलिंग ट्रूप्स के अलावा किसी भी ऑफिसर को इस गाड़ी को यूज करने की परमिशन नहीं है। नेक्स्ट है रेनो शर्पा। इस व्हीकल का ओरिजिन फ्रांस में हुआ था। इस गाड़ी की खासियत ये है कि इसका इस्तेमाल किसी भी टफ कंडीशंस में किया जा सकता है, स्मूथ रोड हो या फिर ऑफ रोड। रेनो शर्पा बहुत आराम से ऐसे रास्तों में चलाई जा सकती है। इस एसयूवी को एक पेट्रोलिंग व्हीकल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये ज्यादा लंबे समय तक गन फायर से सर्वाइव नहीं कर सकती है। ये गाड़ी 11 टन जितना सप्लाई कैरी कर सकती है। इट इज पावर्ड बाय अ यूरो 3 और 5 160 किलोवाट इंजन। इसका माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 4-5 सीटर व्हीकल है। नेक्स्ट बात करते हैं मारुति सुजुकी जिप्सी। ये एक लाइट यूटिलिटी व्हीकल है, जिसके कारण इस व्हीकल को माउंटेन्स और टेरेन्स जैसे रीजन में इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाता है। ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ऑल टाइम फेवरेट व्हीकल है। इस गाड़ी में सॉफ्ट टॉप का ऑप्शन दिया गया है, जिसके कारण इसे हम रिकॉयलेस गन कैरियर के तौर पर यूज कर सकते हैं। इट इज पावर्ड बाय अ 4 लीटर डीजल इंजन विद 1298 सीसी। इसका माइलेज 14.8 किलोमीटर पर लीटर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 8 सीटर व्हीकल है। फिलहाल मारुति सुजुकी जिप्सी का प्रोडक्शन बंद किया गया है। ये गाड़ी एक्सक्लूसिवली आर्मी के लिए बनाई गई है। इसके बाद आता है टाटा जिनोन। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए मारुति जिप्सी फेवरेट व्हीकल रही है, पर जिप्सी के काफी फीचर्स पुराने हो गए हैं। ट्विन कैबिन वेरिएंट के साथ ये व्हीकल 1030 केजी तक कार्गो भी कैरी कर सकती है। इट इज पावर्ड बाय अ 3 लीटर डीजल इंजन विद 2179 सीसी। इसकी माइलेज 13.4 किलोमीटर पर लीटर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 151 किलोमीटर पर आवर है। अगर सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 5 सीटर व्हीकल है। टाटा जिनोन BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा एक्सटेंसिवली यूज की जाती है और इस व्हीकल की वर्सेटिलिटी और एडवांस सेफ्टी फीचर्स की वजह से इस गाड़ी को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा चूज किया गया है। नेक्स्ट, महिंद्रा रक्षक। ये गाड़ी महिंद्रा जीप CJ7 का हैवियर कस्टमाइज्ड वर्जन है। इसमें चारों तरफ बैलिस्टिक शील्ड इंस्टॉल की गई है, जो इसे बुलेट प्रूफ बनाती है। इसका यूज अर्बन वॉरफेयर कॉम्बैट में किया जाता है और वॉर जोन में भी पेट्रोलिंग करने के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल होता है। इट इज पावर्ड बाय अ 2.2 लीटर डीजल इंजन विद मैक्सिमम स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर।
अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 6 सीटर व्हीकल है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एम्बेसडर। 1958 से लेकर 2014 तक इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान मोटर्स इंडिया के द्वारा की जाती थी। हालांकि इस गाड़ी का प्रोडक्शन कुछ सालों से बंद कर दिया गया है, पर ये टॉप रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स द्वारा इस्तेमाल की जाती है। एम्बेसडर का पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों वेरियंट्स आते हैं। इट इज पावर्ड बाय अ 1.8 पेट्रोल इंजन एंड 2 लीटर डीजल इंजन विद 1760 सीसी। इसका माइलेज है 13.5 किलोमीटर पर लीटर और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 129 किलोमीटर पर आवर। अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 5 सीटर व्हीकल है। नेक्स्ट है मित्सुबिशी पजेरो। ये गाड़ी जापानीज कंपनी द्वारा प्रोड्यूस की गई है। इट इज पावर्ड बाय अ 2.8 लीटर टर्बो डीजल इंजन विद 2477 सीसी। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 190 किलोमीटर पर आवर। अगर सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 7 सीटर व्हीकल है। रगेड टेरेन्स में पेट्रोलिंग करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है टाटा सुमो। टाटा सुमो काफी लो मेंटेनेंस व्हीकल है। इट इज पावर्ड बाय अ 3 लीटर डीजल इंजन विद 2956 सीसी। इसका माइलेज है 14.6 किलोमीटर पर लीटर और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 125 किलोमीटर पर आवर। अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 7 सीटर व्हीकल है। टाटा सुमो का इस्तेमाल अभी डिसमिस किया गया है क्योंकि BS6 इंजन से इसको अपडेट नहीं किया गया है। इस गाड़ी का यूज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और मेडिकल टीम द्वारा एम्बुलेंस के रूप में होता था। नेक्स्ट महिंद्रा स्कॉर्पियो। इट इज पावर्ड बाय अ 2.2 लीटर डीजल इंजन विद 2179 सीसी। इसका माइलेज है 14 किलोमीटर पर लीटर और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 165 किलोमीटर पर आवर। अगर सेटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 7 सीटर व्हीकल है। इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम भी है और ये इंडियन आर्मी के लिए परफेक्ट व्हीकल साबित होता है। इसके बाद मारुति सुजुकी सियास। दिस कार इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अमंग गवर्नमेंट व्हीकल्स नाउडेज। टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स यूजेस मारुति सुजुकी सियास। इट इज पावर्ड बाय अ 1.5 लीटर डीजल इंजन विद 1462 सीसी। इसका माइलेज है 20 किलोमीटर पर लीटर और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 190 किलोमीटर पर आवर। अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 5 सीटर व्हीकल है। इंडिया जियोग्राफिकली डाइवर्स कंट्री है जिसके कारण इंडियन आर्मी को सेफ और रिलायबल व्हीकल की जरूरत पड़ती है। इन व्हीकल्स के अलावा महिंद्रा बलेरो और टोयोटा इनोवा जैसी कई और गाड़ियां हैं जिसका इस्तेमाल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर्स के ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए किया जाता है। अगर बात की जाए हैवी कॉम्बैट व्हीकल्स की तो महिंद्रा आर्मर्ड MEVS ट्रेटन प्लस, वाइपर बाय श्री लक्ष्मी डिफेंस सॉल्यूशंस और महिंद्रा MPV जैसे कई व्हीकल्स हैं जिसका इस्तेमाल बैटलफील्ड पर किया जाता है। अगर इस लिस्ट में आप कोई और व्हीकल्स भी ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।